जी को बिना किसी कारणवश क्यों मारा गया। तो आइए सबसे पहले माता शबरी की भक्ति में ही कथा हम सुनेंगे, उसके बाद शंभुक ऋषि जी महाराज की कथा और अंत में माता रानी का एक छोटा सा जस। भक्तों में भक्ति बड़ी जाने सकल जहां, ऐसी सुंदर गाथा को सब देखकर सुने तो हर पल कभी तो आएंगे मेरे राम यही आस लगाती है। तो हर पल हर क्षण माता शबरी प्रभु की राहों का इंतजार कर रही है कि मेरे प्रभु एक ना एक दिन आएंगे, क्योंकि मतंग ऋषि जी ने मुझे ऐसा वचन देकर गए हैं कि एक दिन आपके उद्धार के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अवश्य आएंगे और आपको इस दुनिया से मुक्त कराकर आपका उद्धार करेंगे। तो आज देखिए हर पल हर क्षण प्रभु की यादों में उनकी राह निहारते हुए, राहों में फूल बिछाती, अपनी कुटिया को सजाती, बाग से सुंदर सुंदर फल तोड़कर लेकर आती कि मेरे प्रभु कभी आएंगे तो मैं उनका सेवा सत्कार किस प्रकार करूंगी। आज मन में यही आश लगाए देखिए शबरी प्रभु का बरसों से इंतजार कर रही है और उनकी राहों को निहार रही है, किस प्रकार क्या होता है। प्रभु के दर्श के लिए बेचैन है, उनकी राहों को निहार रही है, प्रभु से विनती कर रही कि हे प्रभु ऐसा ना हो कि आपकी राहों को देखते देखते मेरे इस तन से प्राण निकल जाए, मैं आपके दर्श तक ना कर सकूं। देखिए प्रभु की राहों को निहारती है, उनको पुकार रही है, सब जी कहती है क्या कि हे प्रभु ये ढोलक की चाटी बढ़ा दो। प्रभु कब तक राहे तकोगी, हे मेरे प्रभु राम कब तक राहे तकोगी, आए ना मेरे राम, हे प्रभु कब तक राहे तकोगी, आए ना मेरे राम, रसता प्रभु
का देखा करूं, जपू अठोया। प्रभु की राहों को निहारती है सबरी, विनती कर रही है प्रे प्रभु से की है प्रभु अरे रसता प्रभु का निहारे करूं, जपू अठोया। और आज देखिए सबरी प्रभु के जिस गली में प्रभु की राहों को निहारती है वहां पर फूलों को बिछाए हुए अपने नैनों को उस राहों पर लगाए हुए प्रभु की रास्ता निहारती है। कहा मेरे प्रभु ओ राहों में देखो फूल बिछे, राहों में देखो फूल बिछे, राहों में देखो फूल बिछे, राहों में देखो, राहों में देखो फूल बिछे, राहों में देखो फूल बिछे। बोले मेरे प्रभु अखियां तुमरे दर्श को कहे, अखियां तुमरे दर्श, अखियां तुमरे दर्श को कहे, रब तक राहे तकोगे, रब तक राहे तकोगे, रब तक राहे तकोगे, आए ना मेरे राम और रास्ता प्रभु की निहारा करूं। और आज देखिए हर पल प्रभु की राहों को निहारती है, उन्हीं के आने का इंतजार कर रही है। सभी कहती है क्या कि है मेरे प्रभु हो, ये आंखें किसी दिन आपके दर्श के लिए न पड़ी जाए मुक्ति। हे मेरे प्रभु हो, ये आंखें किसी दिन न पड़ी जाए मुक्ति, होकर ना सकूं मैं उनको पुकारूं। सबरी प्रभु की राहों को निहारती है, उनको बार बार पुकारते है कि है मेरे प्रभु मैं उनको पुकारूं एक बार फिर से। हे प्रभु मैं उनको पुकारूं एक बार फिर से, तुम ही मान रखना सहेलिया सतेना, तुम ही मान रखना सबरी सती का। देखिए सभी अपने
विधि का लिखा है जो मिटने ना दो सबरी माता प्रभु का इंतजार कर रही है, बार बार विनती कर रही है, प्रभु से कहती है मेरे मेरे प्रभु हरि ये कुटिया बुलाती है हे मेरे प्रभु ये सबरी बुलाती है यह राम धुनी सब गाते हैं कोई भक्तन तुम्हें बुलाती है हे मेरे प्रभु अरे सतियों से प्यासी अखिया उतर सन से पावन किया आ देखिए विनती कर रही है प्रभु से कहती है अरे सतियों से प्यासी अखिया दर्शन से पावन किया दर्शन से पाप किया प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज माता शबरी की कुटिया में पहुंच जाते हैं और नवदा भक्ति का ज्ञान कराकर उनका उद्धार करते हैं यही कथा का अंजाम आई है जो समिति ने संवाद रखा था शंभु ऋषि महाराज की हत्या प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों बेवजह क्यों हुई तो आइए इस कथा पर आप प्रकाश डालेंगे तो भक्तों ने भक्ति करके करी तपस्या महाराज सम्मुख ऋषि जी महाराज ने तप किया था महाराज कि मेरा भी उद्धार हो चाहूं मैं यही आज विधि के विधान
जान को कोई टाल सका। तो एक समय की बात, हाँ एक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज दरबार में बैठे हुए थे, वही एक ब्राह्मण ऋषि अपने पुत्र की लाश को लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के दरबार में आते हैं और अपने पुत्र की लाश को वहां पर टांग देते हैं और प्रभु से इसका कारण पूछने लग जाते हैं कि हे प्रभु, हो ना हो इस राजधानी में कोई पाप जरूर हो रहा है, इसी के कारण मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज उस ब्राह्मण को समझाते हैं, मगर ब्राह्मण अपनी बातों पर अड़क रहते हैं और प्रभु से इसका निष्कर्षण निकालने के लिए कहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अपने पहरेदारों को, अपने द्वारपालों को इसकी जांच करने के लिए भेजते हैं और एक पुष्पक विमान पर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज खुद दक्षिण दिशा की ओर निकल जाते हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की नजर सम्मुख ऋषि की ओर पड़ती है। सम्मुख ऋषि जी महाराज एक पेड़ के नीचे, शीश नीचे और पैर ऊपर कर घनघोर तपस्या कर रहे थे। ऐसा देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सम्मुख ऋषि के समक्ष पहुंचे और उनसे उनकी जाति का पता करने लग गए कि आप किस जाति के हो, क्योंकि सतयुग काल में ब्राह्मण के अलावा किसी और को घनघोर तपस्या करने का अनुमति नहीं थी। तो आज देखिए, जैसे ही सम्मुख ऋषि जी महाराज ने अपनी जाति का उनको बताया कि मैं सूद ऋषि का हूँ, सूद जाति का हूँ, तो आज देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी तलवार निकालकर उसी समय सम्मुख ऋषि जी महाराज की गर्दन को काट देते हैं। तो ये भजनों के माध्यम से आप सुनने के लिए जा रहे हैं ये कथा। तो आज देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के दरबार में ब्राह्मण पहुंच जाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज से कहने लग जाते हैं कि हे प्रभु, अरे किस कर्म की मिली मुझको सजा है, हे प्रभु ना मैंने कोई पाप किया ना मुझसे कोई अपराध हुआ, अगर मेरा एकलौता लाल था जो आज अकाल मृत्यु मर गया है, फिर ऐसा क्यों हुआ है जरा मुझे बताइए। तो आज देखिए ब्राह्मण ऋषि देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज से कहते हैं, अरे किस कर्म की मिली मुझको सजा, बोले प्रभु से बताने करूं क्या मैं जतने, कुछ बोलो प्रभु, बोलो प्रभु। विनती कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज से, कहते हैं क्या, अरे किस कर्म की मिली मुझको सजा है, बोले 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 ब
देखते हैं और खुद दक्षिण दिशा की ओर निकल जाते हैं। देखिए कहते हैं ओ इसका पता लगाओ भगवान बोलो प्रभु ये बात भी करना होगा और इस अपराध का पता भी आपको लगाना होगा। कहते हैं और लाल को और आगे देखिए क्या होता है। आज प्रभु श्री राम भैया दो मिनट से आप माता रानी की जय सुना दे आपसे। बिल्कुल भैया, और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी तलवार निकालकर शंभुक ऋषि के गर्दन को काट देते हैं और ब्राह्मण ऋषि के पुत्र को पुनः जीवित कर देते हैं। यही कथा का अंजाम हुआ। आइए समय का अभाव, माता रानी का जस सुनेंगे आप। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। आइए माता रानी के चरणों में नमन करेंगे कि हे मैया हम मेरी दुर्गे माँ दर्शन कहियो देवी सारी दम नहीं होता, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। अगर आप ताली बजाओगे तो ये आप ही के खाते में जुड़ेंगे और जो भी प्रभु का नाम ले रहा है उनका खाता अपने आप जुड़ता चला जा रहा है, उनकी हाजिरी लगते चली जा रही है। तो मीठी मीठी तालियों से आप भी सेवा देते चलेंगे मैया रानी के चरणों में। कहा मैया I'm
समय बचाए क्या दिया और मोहब्बत खूब लड़ी अरे खूब लड़ी रे असुरों से भवानी मैया खूब लड़ी रे खूब लड़ी रे असुरों से भवानी मैया खूब लड़ी आशीर्वाद आया परम आदरणीय है।